दोस्तों टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री श्वेता तिवारी को आज के समय में पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। श्वेता तिवारी ने टीवी के सीरियल में काम किया है, जिसके चलते आज उन्हें सभी लोग जानते हैं। ऐसे में अगर उनकी खूबसूरती की बात की जाए तो उन्हें खूबसूरती के आगे बॉलीवुड की हसीना फीकी पड़ जाती है। श्वेता तिवारी अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती है। श्वेता अक्सर ही अपनी तस्वीर और अपने खुलासों को लेकर चर्चा का विषय बनी रहती है, लेकिन हाल ही में श्वेता अपने पहले पति राजा चौधरी को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने राजा चौधरी के साथ 1998 में शादी रचाई थी, जिसके बाद पूरे 14 साल तक दोनों की शादी के बंधन में बंधे रहे थे। फिर शादी के 14 साल बाद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों के बीच में काफी ज्यादा मनटुआव हो गया था, जिसके बाद अभिनेत्री ने राजा चौधरी के साथ तलाक ले लिया था। लेकिन इन दिनों श्वेता तिवारी अपने बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। दोस्तों दरअसल श्वेता तिवारी की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां कर चुकी है और अब ऐसी शादी करना नहीं चाहती है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने अपनी बेटी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाहे मेरी शादी हो गई हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को शादी करने की सलाह कभी नहीं दूंगी। दोस्तों ऐसे में अगर बात करें श्वेता तिवारी की पहली पति राजा चौधरी की, तो वह हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आए हैं और बाहर आते ही उन्होंने श्वेता तिवारी पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह उनकी बेटी से उन्होंने मिलने नहीं देती है। और दोस्तों आपको बता दें कि जिसने भी श्वेता तिवारी के पहले पति को देखा है वह उन्हें पहचान भी नहीं पा रहा है। दोस्तों सभी लोग यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि श्वेता तिवारी अपने पति के साथ ठीक वातावरण नहीं कर रहे हैं और उन्हें अपने पति का सम्मान करना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि श्वेता तिवारी के पहले पति हाल ही में जेल से छूटकर आए हैं और उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि वह सड़क पर दर दर मारे भटक रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए काम नहीं है। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कमेंट करके अपना राय हमें जरूर बताएं।